नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा आर्टिकल है इंडस्ट्रीज हॉबलेड बाई कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मैन एंड मटीरियल। इस टॉपिक को आप किससे रिलेट करेंगे, कोई बता सकता है? इस टॉपिक को हम रिलेट करेंगे इकोनॉमी से। और इकोनॉमी किसमें आती है? GS 3 में। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, एक जो टर्म है CII, CII ये है क्या? ये टर्म मैंने अभी आपको बता दी है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इश्यू फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और लॉकडाउन किसकी वजह से है? COVID-19 की वजह से। सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो रिलेट कहीं ना कहीं COVID-19 पेंडेमिक से ही होंगे, है ना? क्योंकि इसी की वजह से सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना? द पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्लानिंग फॉर ए फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन मेजर्स इन प्लेस। देखिए, आज लगभग 4 से 5 जो स्टेट हैं, जिसमें लगभग लगभग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनको कोरोना फ्री घोषित कर दिया है ना? कोविड फ्री घोषित कर दिया है। धीरे धीरे करके लिफ्ट होगा, यानी कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन हटेगा। अब अगर देखें स्थिति किसकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थिति काफी गंभीर है ना? और उसमें भी उसका जो शहर है मुंबई, उसमें काफी ज्यादा गंभीर है। वहां से आई थिंक सबसे लास्ट में हटेगा। ओके, तो धीरे धीरे हटने लगेगा लॉकडाउन, तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। लेकिन अभी इंडस्ट्रीज को दिक्कत क्या आ रही है कि वहां पे जो उनकी वर्क फोर्स है, यानी कि जो उनकी लेबर है, वो नहीं पहुंच पा रही है, और मटेरियल की मूवमेंट में भी दिक्कत आती है। ओके, धीरे धीरे सबसे पहले क्या खोलना शुरू किया था गवर्नमेंट ने, जो एसेंशियल कमोडिटी हैं उनको अलाउ कर दिया। क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो आप मान के चलिए कि प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी हाई चले जाएंगे, है ना? क्योंकि स्टॉक हो जाएगा हर एक चीज़ का। सेकेंड पॉइंट इज द सेंटर हैज स्लोली बीन ईजिंग रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट अलाउिंग द री ओपनिंग ऑफ द एसेंशियल सेक्टर बिजनेसेस एंड देन परमिट इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द रूरल एरिया एज वेल एज सर्टेन सेक्टर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर टू बिगिन वर्क सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 20% जो वर्कफोर्स है वो अलाउ की गई है इंडस्ट्रीज के अंदर कि वो काम कर सकती हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके, है ना? CII है क्या, अब जान लेते हैं। ओके, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये क्या करती है? सर्वे करती है। इसके द्वारा जो सर्वे किया गया उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सर्वे। अब इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई है इस सर्वे के अंदर। रिसेंटली नेशन वाइड सर्वे किया है CII ने। ओके, सो द सर्वे हैज नोटेड द रिलैक्सेशन मेजर्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट वर नॉट सफिशियंट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्रीज का कुछ कहना है और कुछ का कुछ। दो तरह के पैरामीटर हैं, दो तरह के पैरामीटर हैं जो न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडस्ट्री विच हैव बीन अलाउड टू रीओपन स्टिल फेस हर्डल्स इन द ऑब्टेनिंग परमिट्स टू फंक्शन एंड ऑब्टेनिंग पासिस फॉर एम्प्लॉयज।
50% इंडस्ट्रीज का क्या कहना है अकॉर्डिंग टू सर्वे? ठीक है, इनको ओपन तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन ऑब्टेनिंग द परमिट्स टू फंक्शन एंड ऑब्टेनिंग पासेस फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट सामने आता है इसी सर्वे के रिगार्डिंग, 60% के लगभग जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कहती हैं। फ्रेंड्स, ओवर 60% ऑफ द सर्वेड कंपनीज ऑल्सो सेड दैट द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स एंड फिनिश्ड गुड्स इज स्टिल डिसरप्टेड। ओके, सो इस सर्वे के अनुसार क्या कुछ सामने आया? एज पर द सर्वे, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स और देयर इनएबिलिटी टू ट्रेवल टू द वर्क प्लेस वॉज ए सिंगल लार्जेस्ट रीजन। ओके, सो इट इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन दैट प्रिवेंटेड बिजनेसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटीरियल हैव क्रिएटेड ए मेजर बॉटलनेक ऑफ फॉर द इंडस्ट्रीज। क्लियर? पहला तो ठीक है, यही हो गया अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट और जो वर्कफोर्स उनकी आती है जाती है उनमें दिक्कत, और उसके अलावा 20% या फिर 30% से ज़्यादा लेबर्स को आप अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है या फिर कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ओके, सो फ्रेंड आप कुछ जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बाद कुछ सजेशंस भी सामने आते हैं। सो ये दो पॉइंट है सजेशन के, जो सजेशन दिए गए इंडस्ट्रीज के द्वारा, सजेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट पॉइंट इज, सीआईआई हैज डिमांडेड दैट बिजनेसेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन विदाउट द नीड ऑफ परमिट्स इन नॉन कंटेनमेंट एरिया। सिर्फ नॉन कंटेनमेंट एरिया की बात की गई है। कंटेनमेंट एरिया कौन सा है? जैसे हॉटस्पॉट हो गए, मतलब कंटेनमेंट एरिया जहाँ पे आशंका है कि यहाँ से कुछ केसेस आ सकते हैं, क्वारंटीन बहुत ज़्यादा लोग हो रखे हैं या फिर वहाँ पे ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, उन्हें आप कंटेनमेंट एरिया कह सकते हैं। सो अब सीआईआई के अकॉर्डिंग, मतलब सीआईआई ने एक डिमांड की है कि जहाँ पे जो एरिया है नॉन कंटेनमेंट एरिया, वहाँ पे परमिट की ज़रूरत ना हो, उनको अलाउ कर दिया जाए विदाउट एनी परमिट। ओके, और परमिट मे बी ग्रांटेड ऑन ए सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो आज के टाइम पे सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। पहले हम क्या करते थे, गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने के लिए मतलब 2 दिन पहले ही जो फॉर्म है वो रेडी करना पड़ता था। अभी आप एट ए टाइम, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाता है। सो उसी तरीके से है, या तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ग्रांट कर दी जाए परमिट्स, है ना, या फिर परमिशन की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीआईआई सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज बी अलाउड टू यूज देयर ऑन प्राइवेट व्हीकल एंड दैट द गवर्नमेंट पासेस शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कंपनी लेटर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो उनके एम्प्लॉय हैं वो प्राइवेट व्हीकल यूज करें और गवर्नमेंट पास के बजाय जो कंपनी का लेटर है उसे ही मान लिया जाए। काफी हद तक सही भी है, लेकिन वही बात है, अगर कोई भी रिकमेंडेशन आती है और कोई भी चीज जब इंडिया के अंदर आती है तो उसका जुगाड़ पहले ढूंढ लिया जाता है, यानी कि उससे बचने के रास्ते। यहाँ से मेरे को यहाँ पे जाना है, लेकिन अब बीच में कुछ अड़चन है तो लोग बाईपास ढूंढते हैं। ओके, सो मतलब जुगाड़ पहले लगाने लगते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।